सिंह केस में आए ड्रग एंगल से एक्शन में आई एनसीबी की सुई बॉलीवुड से होते हुए अब टीवी इंडस्ट्री पर आकर रुक गई है। अभी तक जहां हमने आपको टीवी की दुनिया से दो कलाकारों के नाम गिनाए थे, एक सनम जौहर और दूसरी अबिगेल पांडे, अब इस कड़ी में दो और नामों का खुलासा हो गया है। जी हाँ, ये नाम कोई और नहीं बल्कि सीरियल विदाई से चर्चा में आए अंगद हसीजा और एक्ट्रेस सारा खान है। कहते हैं कि जब एक तार हाथ लग जाए तो धीरे धीरे बाकी के तार भी पकड़ में आ जाते हैं और इस ड्रग्स मंडली के वो तार साबित होते हैं अनुज केशवानी, जिन्हें एनसीबी ने ड्रग पेडलिंग मामले में हिरासत में ले रखा है। बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने टीवी इंडस्ट्री के सारे राज एनसीबी के सामने खोल कर रख दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े कलाकारों के नाम सामने आ सकते हैं। इन टीवी सेलेब्स के अलावा सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का भी एनसीबी से आमना सामना हो चुका है और जानकारों की माने तो उनसे पूछताछ के बीच ही सनम जौहर और अबिगेल पांडे के घर पर कथित तौर पर नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। वेल, अभी तक तो बॉलीवुड सितारों पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खंबाटा, सेलिब्रिटी मैनेजर श्रुति मोदी और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, ये सभी वही नाम हैं जिन्हें आम जनता अपना रोल मॉडल माना करती है, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। पर ड्रग्स लीला में शामिल होकर इन सभी ने अपने पैरों पर ही मानो कुल्हाड़ी मार ली है। इन्हीं सितारों का राज खोलने के लिए एनसीबी मुंबई में छापेमारी कर रही थी, लेकिन छापेमारी के बीच टीवी स्टार्स जांच के दायरे में आ गए। बहरहाल, ताजा अपडेट के मुताबिक इस लिस्ट में फिलहाल जो दो नाम सारा खान और अंगद हसीजा के सामने आए हैं, अब देखना होगा कि एनसीबी के दफ्तर में कब तक इनका बुलावा आता है।